दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। ये वीडियो रहेगा क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए, सिविक्स में अर्थात नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है संघवाद। इसको इंग्लिश में फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरलिज्म। संघ सब फेडरल से बना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट और एक होता है, क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार, और इस सरकार में क्या अंतर होंगे। ये भी सरकार का एक स्वरूप है, एकात्मक सरकार और संघ सरकार, फेडरलिज्म गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जिसे कहेंगे, इसके बारे में अंतर स्पष्ट करेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि आखिर में कौन कौन से अंतर होते हैं। इसके अलावा ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि संघवाद की विशेषताएं क्या क्या होती है, एक संघीय सरकार की क्या क्या विशेषताएं हैं, भारत में संघीय सरकार के किस स्वरूप को अपनाया गया है, संघ सरकार के भी जो हमारा संघीय स्वरूप होता है इसके भी 2 तरीके होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संघीय सरकार के बारे में क्या क्या विशेषताएँ हैं भारत के संदर्भ में, कौन कौन से अधिकारों को भारत में संविधान ने हमारा दे रखा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से संघवाद क्या भारत या किसी भी देश के विकास, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहां तक सहायक है, किस प्रकार से हमारे देश को ये आगे बढ़ाने में सहायक रहेगा। तो चलिए धीरे धीरे करके इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि ये नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों के बीच में पहुँचे और आप लोग इसका उत्साहवर्धन करें, इसको आगे बढ़ाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे है चैप्टर नंबर 2। यहाँ देखिए, ये पहले ही है, पहले ही कह रखा कि मैं थोड़ी उलझन में हूँ, आखिर भारत की शासन व्यवस्था, भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए, एकात्मक, संघात्मक या केंद्रीकृत, तीनों के बारे में अंतर स्पष्ट करेंगे। ये बहुत ही उलझन में है, ये आप लोग ही हैं जो उलझन में हैं। एक बार शुरू करते हैं, संघवाद क्या है, टॉपिक का नाम है संघवाद क्या है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। इसके पिछले वाले जो वीडियोज़ हैं सिविक्स के, जिसमें पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, उस चैप्टर में हमने 2 देशों के एग्जांपल लिया, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। इस कहानी की शुरुआत भी हम उसी से मॉडल से करते हैं, ताकि आप इसके पिछले वाले लेक्चर को, वीडियो को देख चुके हैं तो आपके माइंड में ज़रूरी इस बात का ज्ञान होगा कुछ ज़रूर, नहीं है तो एक बार फिर से रिमाइंड आप करिए। इसको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप पिछले अध्याय में बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करेंगे तो आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में, आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए थे 1970 से लेकर के 1993 के बीच में, संविधान में वहाँ के 4 संशोधन किए गए, जो प्रमुख बदलाव किए गए थे उनमें किया क्या गया था कि केंद्रीय सरकार की शक्तियों को कम कर दिया गया था। जो बहुत सारे संशोधन किए गए थे उसमें से एक संशोधन ये भी था कि केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना, और ये अधिकार किसको दे दिए गए थे, तो प्रांतीय सरकारों, मतलब केंद्र सरकार से शक्तियों का ट्रांसफ़र करके प्रांतीय सरकारों को दे दिया गया था। आप कहेंगे कि तो क्या इसके पहले प्रांतीय सरकारों को पावर नहीं थी, निश्चित तौर पर पावर थी, बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं और उनकी अपनी भूमिका भी थी, उनके अपने अधिकार भी थे, लेकिन यहीं पर डाउट, यहीं पर क्वेश्चन, लेकिन ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी, अर्थात ये जो पावर मिली हुई है ये इन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई थी, और यदि चाहे केंद्र सरकार तो इन्हें वापस भी ले सकती है। लेकिन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कैसे अधिकार दिए गए, तो संवैधानिक अधिकार दिए गए, संविधान में इसकी व्यवस्था की गई। समझ में आ रहा है, यदि आप संविधान में वर्णन कर देते हैं कि हमें इन इन अधिकारों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं,
तो अब वहाँ पर केंद्र सरकार उन विषयों पर, उन चीज़ों पर कानून बनाने का अधिकार खो देती है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रहेगी। इस प्रकार से बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह किस प्रणाली को बना लिया? संघीय शासन प्रणाली। यहाँ से एक विषय स्पष्ट होती है, एकात्मक शासन प्रणाली में कहीं ना कहीं जो संघ और राज्य दोनों होंगी सरकारें, लेकिन जो राज्य सरकारें होंगी यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर साबित होती हैं, यहाँ पर केंद्र सरकारें ज़्यादा पावरफुल होती हैं और वो अपने राज्य सरकारों को शक्तियाँ प्रदान करते हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रावधान वहाँ के संविधान में नहीं लिखा गया है। केंद्र सरकार की इच्छा पर है, वो उसे देती है और फिर उसे यदि उसे ज़रूरत पड़ती है तो उसे वापस भी ले लेती है। ये है किस प्रकार की व्यवस्था? एकात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था। तो बेल्जियम ने इस एकात्मक शासन प्रणाली को, अर्थात जो राज्य सरकारें होती हैं वो एक सबॉर्डिनेट की तरह काम करते हैं, किसके? तो केंद्र सरकार के। तो एकात्मक शासन प्रणाली की जगह पे संघीय शासन प्रणाली को अपना लिया। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। तो तुम, आपसे पूछा जाएगा कि बेल्जियम किस प्रकार की व्यवस्था का उदाहरण है, एकात्मक या संघीय? तो संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है वर्तमान में। लेकिन पूछेगा कि 1993 के पूर्व बेल्जियम किस प्रकार की व्यवस्था का उदाहरण था? तो एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण था। श्रीलंका किस प्रकार का उदाहरण है? तो श्रीलंका भी उदाहरण है एकात्मक शासन व्यवस्था का, क्योंकि वहाँ पर केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार सुरक्षित हैं। श्रीलंका, इसके बारे में आप देखो तो श्रीलंका के तमिल नेता जो थे वे चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में होती क्या है भाई? यहाँ से शुरू संघीय शासन व्यवस्था, तब से बार बार एक ही बात कहे जा रहे हो। आखिर में संघीय शासन व्यवस्था में कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो सब कुछ सही कर देगा? तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता, यहीं से परिभाषा बनती है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है। तो संघीय शासन व्यवस्था, परिभाषा लिख सकते हो कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों, अर्थात राज्य सरकारें और जो स्थानीय सरकारें होती हैं उसके बीच बट जाती है। मुख्यतया दो ही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, मतलब केंद्रीय प्राधिकार और उसकी आनुषंगिक इकाइयों के बीच सत्ता बट जाएगी। आमतौर पर ये व्यवस्था दो स्तर की सरकारें के बीच होते हैं, एक जो सरकार होगी पूरे देश के लिए होगी, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे, और दूसरा राज्य या प्रांतों की सरकार होंगी जो शासन के दैनंदिनों, मतलब दिन प्रतिदिन के कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी सरकार एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। जहां केंद्र सरकार या संघ सरकार का काम है वह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कानून बनाएगी, उसकी देखभाल करेगी, जबकि राज्य सरकारें दिन प्रतिदिन के होने वाले कामकाज शासन व्यवस्था को संभालेंगी। इस अर्थ में आप देखोगे तो संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाए कि एकात्मक शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें, तो आप पॉइंट्स लिख सकते हैं क्या कि एकात्मक शासन व्यवस्था में जहाँ शासन का एक ही स्तर होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में सरकार का या शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं, वहीं बोलेंगे आप उसमें कि संघीय व्यवस्था में शासन का कम से कम दो स्तर होता है और हर एक इकाई स्वतंत्र होकर काम करती है। फिर आप कह सकते हो कि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, जबकि कहेंगे कि संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश नहीं दे सकती है, उसमें क्या करती है कि केंद्रीय सरकार अपना स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए
और प्रांतीय स्थानीय सरकार भी अपने अधिकार क्षेत्र में अलग है, स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां हैं और वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं, ठीक है, किसमें, संघीय व्यवस्था में। और ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है एक दूसरे के प्रति, कि राज्य केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं है, केंद्र भी जनता के प्रति जवाबदेह है और राज्य सरकारें भी जनता के प्रति ही जवाबदेह हैं। तो इन सब बातों को गौर करते हुए हम देखेंगे तो हम कुछ ये बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि आए आपका कि संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें, तो आप कुछ विशेषताओं को बता सकते हो, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर देखें, पहली विशेषता संघीय सरकार की कि दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। पहली बात यहाँ ध्यान से समझने, पहला पॉइंट है, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एक होगा केंद्र सरकार संघीय व्यवस्था में और एक होगा राज्य सरकार। इसके अलावा जैसे बेल्जियम में था सामुदायिक सरकार भी था, जैसे भारत में है उसी प्रकार से सेम चलता है अपना कौन सा, स्थानीय सरकार। तो तीन स्तर का भी हो सकता है, चार स्तर भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो स्तर का निश्चित तौर पर होगा, केंद्र और राज्य सरकार। दूसरा दे रखा पॉइंट कि अलग अलग स्तर की सरकारें हैं, केंद्र है, राज्य है, स्थानीय सरकार है, सामुदायिक सरकार, लेकिन अल्टीमेट रूप से, अंतिम रूप से कहें तो ये सारे के सारे यहाँ के नागरिकों पर ही शासन कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक समूह पर ही शासन हो रहा है। लेकिन कानून बनाने, उन सभी लोगों पर कानून बनाने, इन सबसे कर वसूलने और प्रशासन का सबका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। अगर उदाहरण के स्वरूप हम समझें, जैसे भारत के कोई नागरिक है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है, केंद्र सरकार को भी है। जैसे इनकम टैक्स लगाना है तो केंद्र सरकार लगा लेगी, यदि बिक्री कर वसूल करना है तो राज्य सरकार वसूल कर लेती है, ठीक है। उसी प्रकार से GST लगाना है, केंद्र सरकार भी लगाती है, राज्य सरकार भी लगाती है, सबका अपना कर वसूलने का अधिकार। साथ ही साथ क्या है, हमारा सड़कें बनवानी हैं तो कौन बनाएगा, क्या करेगा, सबका अपना अलग अलग कानून बनाने का अधिकार। जैसे शिक्षा पे हो गया तो राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार भी बना सकती है। स्वास्थ्य पे हुआ तो राज्य सरकार बनाएगी, सड़क बनाने का नियम कानून बनाएगा तो सड़क राज्य सरकार बनाएगी, नेशनल हाईवे की बात है कि वो बनाए। मतलब कुल मिला जुला के सारी जो घटनाएँ होंगी ये हो रही हैं वास्तव में हम ही सब पर, हमारे ही नागरिक समूह पर, हम ही लोगों पर, लेकिन अधिकार क्षेत्र सबका क्या है, अलग अलग है। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र, कौन कौन से अधिकार क्षेत्र आप किन किन विषयों पर कानून बनाओगे, ये सारे अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र इस संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसीलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। आपको ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है, 6 नंबर में 5 नंबर में 3 नंबर जो भी आता है क्वेश्चन, आप उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन बड़ा ही क्या है ना, कहते हैं बहुरूपिया प्रकार का होता है, रंग बदल दे कौन भरोसा नहीं है, कब क्या कैसे कर दे, 2 नंबर में आ जाए 3 नंबर में आ जाए, जैसे आ जाए आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को सेट करके उसका आंसर लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, सरकार दो या दो से अधिक स्तर वाले होती है। दूसरा, कि अलग अलग स्तर की सरकारें होती तो हैं लेकिन एक ही नागरिक समूह पर शासन करेगी, लेकिन सबका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है, कर वसूलने का, प्रशासन का, कानून बनाने का, सबका अधिकार अलग क्षेत्र हो। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, ताकि संविधान सरकार के हर स्तर के जो गवर्नमेंट है उसके अस्तित्व और अधिकार की गारंटी दे सके और सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके अलावा जब आप देखोगे तो संविधान की एक चीज दे रखा है, ये बहुत अच्छी पॉइंट है, इस संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, मूल प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमत से ही हो सकते हैं। यदि केंद्र सरकार चाहे कि हम कोई ऐसा नियम बना दें जो पूरे भारत को प्रभावित करता हो तो वो केवल और केवल अपने नियम से नहीं बना सकता है, उसमें राज्य सरकारों की भी सहमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी GST का जो कानून आया था भारत में,
उस नियम को बनाने के लिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने संसद से पारित किया था, लेकिन इसके उपरांत भी भारत के 28 राज्यों में से कम 14 राज्यों की सहमति उसमें आवश्यक थी। वहाँ के भी जो विधानमंडल है वहाँ से विधानसभा से इसे पारित होना आवश्यक था। तो ये जरूरी है कि कोई भी संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन करो। भारत को एक संविधान में वर्णन है कि लोकतंत्र है, ये है, अगर इसकी प्रक्रिया को चेंज कर बोल दिया कि नहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होकर यहाँ तानाशाही प्रक्रिया होगी, एरिस्टोक्रेसी लागू कर दिया जाए, कुछ और तरीका डिक्टेटरशिप लागू कर दिया जाए, ऐसे यही होगा, या आज भारत में जो प्रधानमंत्री जो भारत के एक प्रकार से कार्यकारी प्रमुख है काम करने के लिए हेड करके, यदि उसे ना करके राष्ट्रपति जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो अपना दिया जाए, ऐसे किसी भी मौलिक प्रावधान में परिवर्तन करना होगा तो केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार अलग अलग स्तर पर नहीं कर सकती, इसमें दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आप ये देखोगे तो संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? अदालतों के पास है, अर्थात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सब के पास अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका में होता है। कौन होता है? यदि किसी भी विभिन्न स्तर की सरकारों के मध्य अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका में होता है। अब अगला पॉइंट जो दे रखा है उसको आप देखोगे तो समझ में आएगा कि वित्तीय स्वायत्तता, इसका मतलब हुआ कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सुनिश्चित करने के लिए आप देखोगे तो विभिन्न स्तर की सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत भी निर्धारित हैं। अर्थात ये जो हमारा राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, ये अपना राजस्व पैसा कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे मंगाएंगे, सेंस क्या है? आखिर में कोई भी व्यक्ति कमाएगा तो कमाने का जरिया क्या होगा? तो हर एक सरकार को इकाई मान लें तो हर एक सरकार या हर एक इकाई कैसे पैसा अपना जनरेट करेगी, कैसे पैसा बनाएगी? सबके पैसा कमाने का जरिया स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में दे रखा है, निर्धारित कर दिया कि आप इन इन चीज़ों से पैसा कमाओगे। राज्य सरकार का अलग, केंद्र सरकार का अलग बना दिया कि आप इन इन चीज़ों से पैसा कमाओ, आप इन इन चीज़ों से पैसा कमाओ और अपना राजस्व लेकर के देश का विकास करो, राज्य का विकास करो, ये दिखा जाएगा। तो संघीय शासन व्यवस्था के दोहरा उद्देश्य हैं, एक तो देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, दूसरा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था में आप देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं, वो क्या है? गठन और इसके कामकाज, दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, उसको देखिए आप कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमत, सबसे बहुत अहम बात क्या रखा है कि विभिन्न स्तर की जो सरकार है तो उसके बीच सत्ता का बंटवारा किया जाए तो जो नियम बने उस पर दोनों की सहमति हो, सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमत होने चाहिए, और दूसरा कि एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, सहमति हो, भरोसा हो कि हाँ भाई जो नियम बन रहे हैं ठीक है, हमारा और आपका अलग अलग है, कोई दिक्कत, और ये भी होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, ये नहीं कि नहीं हमारे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं, जो आदर्श दे रखे हैं आपके अधिकार क्षेत्र उसको मानिए। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, दूसरा पहला कि आपसी भरोसा हो और दूसरा साथ रहने पर सहमति हो, अगर ये नहीं होगा तो सब कुछ ख़त्म है। भरोसा होना चाहिए और साथ रहने पर सहमति हो कि हाँ भाई ठीक है हम साथ साथ रहेंगे, अधिक अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, नियमों के अनुसार से चलेंगे, ये हुआ। तो केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का जो बंटवारा है ये भी हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। मैंने जब बताया था शुरुआत वीडियो में कि संघीय सरकार के भी स्वरूप होते हैं उस सर्वकाल, इसमें भी दो तरीके हैं। एक तरीका आपको ये होगा कि एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर के कहेंगे कि हम सब आपस में यूनाइट होकर एक संघ बनाते हैं, तो ये सारे राज्य स्वतंत्र रूप से बहुत ही पावरफुल होते हैं, यहाँ तक कि केंद्र से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये साथ मिलकर साथ आते हैं
कम टुगेदर, एक साथ आकर संघ बनाएंगे। ये वाला पहला प्रारूप हो गया। देखते हैं क्या हो रहा है। इसको देखिए, दे रखा है कि अलग अलग किस्म का होता है। पहला, यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि उस संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुआ है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित। पहला तरीका है, तो पहले वाले में है क्या, पहला तरीका है, ध्यान से समझिएगा। पहला तरीका है, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। दो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, दोनों साथ में आ गए और एक बड़ी इकाई बना ली। इसमें दोनों जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं अपनी अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, अपनी अपनी संप्रभुता का साथ करते हैं और अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं। साथ ही साथ अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता भी अख्तियार कर लेता है। कैसे इनकी सुरक्षा, कैसे उनकी संप्रभुता, कैसे उनकी पहचान, अलग खुशहाली सब कुछ बना रहे। तो इस प्रकार के जो उदाहरण मिलेंगे, ये साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं। कम टुगेदर फेडरेशन है, साथ मिलकर, साथ आकर, आपस में ये लोग आते हैं और कहते हैं हम एक संघ बनाना चाहते हैं और हमारा बनाइए। इस प्रकार के उदाहरण आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो कम से कम तीन नाम आप याद रखोगे, एक नाम याद रखो आप USA, तो साथ आकर वाले में हैं USA, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, साथ आकर संघ बनाने का। इस तरह की संघीय व्यवस्था जो है खास तौर पे कहाँ पर मिलेंगे, हाँ एक चीज़ नोटिस करिएगा, इस प्रकार की संघीय व्यवस्था में जो होता है प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। USA, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में स्टेट्स आर मोर पावरफुल दैन द सेंट्रल पावर। केंद्रीय शक्तियों की तुलना में जो राज्य की शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। राज्य केंद्र की तुलना में ज़्यादा ताकतवर है। जो दूसरा तरीका है वो है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। एक बड़ा सा देश है, वो चाहता है किस प्रकार हम संघ का निर्माण करें, तो वो अपने हिसाब से देख सकता है कि किस प्रकार से हमारी आंतरिक विविधता है, किस प्रकार से जाति विविधता, किस प्रकार से सांस्कृतिक विविधता, उसके आधार पर राज्यों का विभाजन कर सकता है और केंद्र सरकार उनको शक्तियाँ प्रदान करके, हाँ संविधान में स्पष्ट वर्णन दिया कि जो राज्य बनेंगे इनको ये शक्तियाँ प्रदान होंगी, कुछ विशेष लाभ भी दे सकता है राज्यों को अगर चाहे तो, ताकि हमारा संघ मजबूत और से और बन सके। तो इसमें केंद्र सरकार महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, वो राज्यों का विभाजन अपने सहूलियत से और अपनी सहूलियत खासतौर पर आंतरिक विविधता को ध्यान में रखने वाली सहूलियत के हिसाब से बंटवारा करता है। तो यहाँ पे समझने वाली यही बात है। तो दूसरा तरीका क्या है कि बड़े देश द्वारा आंतरिक विविधता ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना। इसके तीन उदाहरण देश मिलते हैं, स्पेन, बेल्जियम और भारत। भारत, स्पेन, बेल्जियम, इस श्रेणी वाले व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन किसी विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे कि इसके पहले 2019 के पूर्व जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे, संविधान एक उनके लिए अलग ही बना दिया गया था, अनुच्छेद 370 के माध्यम से वहाँ पर अलग संविधान, अलग झंडा, अलग प्रकार की हर एक सुविधाएं उन्हें विशेष तौर पर दिए गए थे, क्योंकि वह एक अलग ही प्रकार का हमारा राज्य था जिसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न थी, तो उसे एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। उसके अलावा भी हमारे भारत में पूर्वोत्तर जो भारत के राज्य हैं, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो राज्य हैं, अनुच्छेद 371 के माध्यम से इन्हें विशेष राज्यों का दर्जा, कुछ विशेष प्रावधान इनके लिए स्पष्ट तौर पर संविधान में कर रखे हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर है, राज्यों को समान अधिकार हैं लेकिन कुछ विशेष अधिकार भी कुछ विशेष प्रांतों को दिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके, ये तो समझ में आया
पहले इस वीडियो में पहले समझिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अगला वीडियो बनाएंगे, 24-25 मिनट का हो गया है, अब आगे नहीं बनाएंगे, फिर अगला वीडियो नया बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमने देखा कि संघीय व्यवस्था के क्या क्या उदाहरण हैं, संघीय व्यवस्था में कौन कौन से दो तरीके, एक तो साथ आकर और दूसरा कि अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर बनाने का। तो साथ आकर वाला उदाहरण था USA, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, और जो आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया तो उसमें था भारत, बेल्जियम और स्पेन का उदाहरण था। अब यहाँ पर पहले वाले तरीके में जो तरीका है उसमें राज्य सरकारें काफ़ी ताकतवर हैं, दूसरे वाले तरीके में केंद्र सरकार काफ़ी ताकतवर है। पहले वाले में राज्यों को समान अधिकार प्राप्त है और राज्य ज़्यादा पावरफुल है, दूसरे वाले में राज्यों को समान अधिकार है लेकिन कुछ राज्यों को विशेष अधिकार भी प्रदान किए गए। संघीय व्यवस्था के हम लोग की विशेषताओं को देखें, संघीय व्यवस्था में विशेषताएँ क्या हैं, संघवाद की क्या परिभाषा होती है इससे शुरू किया हमने, बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देखे कि बेल्जियम किस प्रकार से एकात्मक शासन व्यवस्था से संघीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, श्रीलंका किस प्रकार से आज भी देखा जाए तो मूलतः कौन सी व्यवस्था में एकात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पर केंद्र सरकार को ही सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। संघीय व्यवस्था में कि कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके हमने सारे पॉइंट्स स्पष्ट रूप से यहाँ पर देख लिए। ये कुछ दे रखा है तुम लोग, आप लोगों का फिगर इसको आप देख सकते हैं कि 193 देशों में से केवल 25 में ही संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में ध्यान से देखने की बात है दुनिया की 40% जनसंख्या है, दुनिया के अधिकांश बड़े देश कैसे हैं, संघीय हैं। यहाँ पर सारे संघीय देशों को रेड से दिखा रखा है, आप देखेंगे तो कनाडा है, USA है, मैक्सिको है, रूस है, भारत है, नाइजीरिया है, ये सारे के सारे, इथोपिया, ये ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सारे के सारे देश अधिकतम क्या हैं, संघीय व्यवस्था को मानने वाले देश हैं। ठीक है, अगली व्यवस्था देखेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से इसमें चलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें और दूसरों का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।